असल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं पढ़ रही थी, जो कुछ अब से 35 से 40 साल पहले 71 बैच की हूँ मैं, 71 to 74 में पास आउट हुई। उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद हमने इस नाटक का नाम सुना। एक तो मैं मराठी मीडियम पूना से हूँ, तो हिंदी से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। उसकी वजह से धर्मयुग वगैरह तो मालूम थे, लेकिन इतना वास्ता हिंदी से नहीं पढ़ रहा था मेरा। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने के बाद ही मैंने इस नाटक के बारे में सुना, और उससे पहले मेरे ख्याल में तालकटोरा स्टेडियम में अलकाजी साहब ने ये नाटक बहुत साल पहले किया था। उससे पहले तो उसके हम फोटोग्राफ्स देखते थे, वो बड़ा सा पहिया और ये फोटोग्राफ्स देखते थे, और इस नाटक के बारे में तब सुना। सिर्फ सुना ही था कि बहुत अच्छा नाटक है, बहुत मज़ा आता था वो करने के लिए वगैरह, ऐसे पास टून से हम सुन रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं जब थर्ड ईयर में थी, सेकंड या थर्ड ईयर में थी, मुझे पक्का वो याद नहीं है, थर्ड ईयर में थी शायद, तब ये नाटक फिर से करने का सर ने, अगय साहब ने विचार किया, और वो हमारे साथ किया। और वो किया वो दिल्ली के पुराना किला के मॉन्यूमेंट्स पे किया। वहाँ पे 3 नाटक हुए थे, एक तो तुगलक, दूसरा सुल्तान रजिया और तीसरा अंधा युग। ये 3 नाटक पुराना किला में हुए थे। अब हुआ यूं कि उससे पहले हमने काबुकी प्ले किया था इबारा की, जो शोजो प्रोफेसर शोजो सातो ने डायरेक्ट किया था वहाँ से आके, तो हम थोड़ा सा काबुकी के बारे में जानते थे। अब आई थिंक सर ने उस वक्त एक्सपेरिमेंट किया था कि वो पूरा का पूरा नाटक जैसा उन्होंने तालकटोरा में किया था वो ऐसा न करके थोड़ा सा काबुकी स्टाइल में, इन द सेंस हमारे कॉस्ट्यूम्स काफ़ी प्रभाव था किमोनोज और उसका, मुझे भी जो दिया गया था वो लॉन्ग किमोनो था, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग किमोनो, बड़ी बड़ी बाहें थी, लेकिन उसमें यानी फ्यूजन जैसा किया था। हेड गियर्स वगैरह उन्होंने तैयार किए थे, और हेड गियर्स थे वो मेटल के, और जैसे इंडियन हेड गियर्स थे। दूसरा इन्फ्लुएंस मुझे याद है जो गांधारी और धृतराष्ट्र, इन दोनों कैरेक्टर्स को नो के जो मास्क होते हैं वो मास्क दिए थे। अच्छा, मास्क में हम बात नहीं कर सकते इसलिए वो हाफ मास्क कर दिए। हाफ मास्क पे यानी मैं मास्क लगाती थी, उसके ऊपर पट्टी बांधती थी, और फिर हेड गियर था। और जो इंडियन और जापानीज कॉस्ट्यूम्स जो वो किए थे उन्होंने, फ्यूजन किया था उसमें, किमोनोस तो थे लेकिन जो कमरबंद था और सामने पट्टी थी वो इंडियन जैसी लगती थी ना, तो ऐसे फ्यूजन उन्होंने किया था। वो कॉस्ट्यूम के बारे में था। प्रेजेंटेशन के बारे में भी कोरस किया था, जो कोरस मेरे ख्याल में 20 लोगों का कोरस था, और वनराज भाटिया जी ने म्यूजिक किया था, और कोरस का जो रेंडरिंग था वो पूरा चैंटिंग जैसा रेंडरिंग था। यानी जो कोरस काबुकी में देखा जाता है 3 लोग होते हैं कोरस में, तो वो कोरस उन्होंने यहाँ ला के वो किया था बड़ा। तीसरा पर्कशन इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा, जो जयदेव जी बजाते थे, माय हस्बैंड, लेकिन तब मेरे कलीग थे वो, तो वो नगाड़ा बजाते थे। तो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स जो काबुके में भी यूज़ होते हैं, थोड़े से ऐसे ईट जैसा होता है और वो डांस मूवमेंट पे वो बजाते हैं ऑन स्टेज, वैसे उन्होंने पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका काबुकी का उस पर था। अब जो हमारे डायलॉग डिलीवरी वगैरह थी,
तो एक्चुअली डायलॉग डिलीवरी अंधा युग के वर्स में होने की वजह से हमको काफ़ी सारा फायदा हुआ उसका स्टाइलाइज्ड वो बात करने के लिए. तो वो एक तो स्टाइलाइज तो वो कहीं भी जाओ तो वो वर्स में अगर हो तो थोड़ा सा स्टाइलाइज होता ही है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं उसको हेल्प मिल गई डायलॉग रेंडरिंग में भी. तो इस हिसाब से आई मीन दैट प्रोडक्शन वॉज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऐसे मुझे लगता है जो वो किया. वो हमारी एंट्री वगैरह सब कैरेक्टर्स एक साथ शुरू में आते थे, वो स्टेयर केस से नीचे उतरते थे और फिर अपने अपनी एग्जिट्स पे अपनी एंट्रीज पे जाते थे. तो ये सारा वो आई मीन ग्रैंड्योर जो हम बात करते हैं, जो पुराना किला का जो पूरा उन्होंने बैकड्रॉप बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया था. आई मीन अलकाई साहब तो अलकाई साहब हैं, तो बहुत अच्छा यूज़ हुआ था. और जो आप कह रहे थे वो मुझे नहीं लगता उसमें जो खो गई बात तो जो धर्मवीर भारती जी ने कही है वो इतनी प्रोफाउंड है कि वो आप कहीं भी जाओ वो कहीं चुकती नहीं है जो उनको बताना है. और शायद उसकी वजह से वो ग्रैंडर की वजह से जो प्रहरियों का सीन है, याचक का सीन है और अलग अलग लोकेशंस हैं तो उसको हेल्प ही मिली थी मुझे लगता है. क्योंकि अगर आप प्रोसिनियम थिएटर में वो अगर करेंगे तो आपको लेवल्स भी देनी पड़ेंगी, यू नो वो सारा वो करना पड़ेगा. एक ही प्लेन पे आप वो नाटक कर भी नहीं सकते. एनी सो वो मुझे लगता है उसकी हेल्प मिली. हमारा प्रोडक्शन था उसमें पुराना किला में काम करते वक्त, वैसे तो रजिया में भी काम किया था मैंने, तो रजिया का स्पीच जो मैं बुर्ज के ऊपर से मैं देती थी वो इट वॉज लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि सीइंग द ह्यूज काइंड ऑफ सैनिक और ऑडियंस और अरे वहाँ तक मुझे आवाज़ मेरी पहुँचानी है तो किस तरह से मैं बात करूँगी. आई मीन सेम थिंग केम हियर, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती थी मूवमेंट्स क्योंकि एक जगह आके ही मुझे वो करना पड़ता था. बट आँखों में पट्टी थी और मास्क भी था तो बहुत ज़्यादा नीचे दिख नहीं रहा था. यानी नीचे आप ऐसे देखो तो भी मास्क आता था, मैं मुझे स्टेप्स नहीं दिखती थी. तो वो थोड़ा सा थोड़ी सी स्लो मूवमेंट्स लेकिन वो उसमें चली गई कि रीगली वो आती है और थोड़ा एक 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 स्टेप नीचे उतर के फिर अपने पोजीशन पे चली जाती. वो हो रहा था. तीसरा मुझे याद है जो गांधारी का श्राप था, वो गांधारी का श्राप वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. मेरे ख्याल में उस वक्त उसमें राजेश विवेक थे, राज बब्बर था, फिर अजीत पच्छानी और पंकज कपूर, ये सब लोग उसमें पंकज कपूर आई थिंक कृतज्ञ वर्मा था. संजय, मेरे ख्याल में संजय का रोल वाच्छानी ने किया था, राज बब्बर ने एक रोल किया था, फिर अश्वत्थामा तो राजेश थे. तो उसमें जो स्पीच, मैं स्पीच की बात कर रही थी, सर ने मेरे साथ गांधारी का स्पीच पर्सनलाइज जैसे किया था. उन्होंने मुझे वो 7-7:30 बजे स्कूल में बुलाते थे, हम स्टूडियो थिएटर में बैठते थे, मैं सामने बैठती थी इन दैट पोजिशन और वो गांधारी का श्राप में सब बोलती थी और उस पर उन्होंने मेरे साथ काम किया. और शायद उस वक्त ये हो रहा था कि सर को किस तरीके से वो रेंडरिंग चाहिए, ये शायद वो मेरे थ्रू वो कर रहे थे. इवन ही वॉज ट्राइंग टू सी वेदर हाउ कैन इट बी डन. और ये तो 8 दिन लगातार उन्होंने मेरे साथ, यानी वो मैं बोलती थी फिर वो रिकॉर्ड करते थे, फिर उस पर एक तो स्पीच पे उन्होंने कहा भी था रोहिणी तुम्हें स्पीच पे काम करना है
और करना मस्ट है ऐसे ही, लेकिन वो इस तरह से मुझे वो शायद ट्रेन कर रहे थे और फिर वो रिकॉर्ड करते थे, फिर बताते थे कि यहाँ यहाँ ये नहीं है, फिर और स्ट्रॉन्ग चाहिए आवाज़, और स्ट्रॉन्गली वो रेंडर करो, ये करके मुझसे उन्होंने 8 दिन लगातार हम रोज सुबह 1 घंटा वो काम करते थे। तो शायद उसमें से उन्होंने, हो सकता है थोड़े से, यानी क्या चाहिए उनको वो मुझसे उन्होंने शायद वो किया होगा। और फिर वो स्पीच पैटर्न जो बहुत ज़्यादा अलग सा स्पीच पैटर्न नहीं था, लेकिन जो भी स्टाइलाइज उनको चाहिए था वो शायद उनको वहाँ से पता चला। मास्क होने की वजह से मुझे स्पीच पे ज़्यादा काम करना पड़ा था। एक तो सबको ही थोड़ा सा मास्किश टाइप मेकअप भी था, यू नो इट वॉज नॉट नॉर्मल, इट वॉज यू नो काबुकी का जो थोड़ा सा मेकअप होता है वो एक्सेंचुएट करने के लिए सब वो था सबको, तो इसलिए वो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई वो कॉन्सेंट्रेट हुआ स्पीच पे। और स्पीच पे कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से जो अर्थ था अंधायुग के कपलेट्स और उसकी पोएटिकल जो सारा रेंडरिंग होता था वो मेरे ख्याल में ज़्यादा उभर के आया उसमें, और बॉडी मूवमेंट्स की वजह से, यू नो सो इट वॉज लाइक अनदर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर अंधायुग। अभी आपने बात की शुरुआत में कहा कि आप मराठी मीडियम से गए वहाँ पर, आपका उस तरह से हिंदी नाटकों के साथ बहुत परिचय नहीं था, और मराठी नाटक, मराठी अपने आप में नाटकों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है मराठी में, आप उससे जरूर परिचित रही होंगी, और बाद में जाकर के आपने हिंदी के नाटकों के साथ भी देखा, और अंधायुग के समकक्ष मराठी में किन नाटकों को रख सकते हैं और किन नाटकों में आप कुछ, अगर ये कहा जाए कि जिनमें ये पोटेंशियल लगता है कि अंधायुग जैसे नाटक हैं या उस तरह के नाटक। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अंधायुग जो लिखा गया है उसकी स्टाइल ही इतनी यूनिक है कि शायद मराठी में एक ही जो लेखक हैं वो मैं उस तरीके के नाटक, जो एक रंग पांचालिक नाम का नाटक है उशी रेगे, उन्होंने वो लिखा था, और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसके शोज भी नहीं हुए क्योंकि वो साहित्यिक जैसा नाटक था और उसको देखने का विजन शायद बहुत कम लोगों में होता और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन जो हमने बाद में आई मीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वापस आके जयदेव जी ने उस पर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन वो कॉलेज के लेवल पे काम किया था, सो तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस स्टाइल का है। लेकिन जो अंधायुग में जो बात है, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने छुआ है वो इतना प्रोफाउंड है कि जैसे मुझे तो लगता है कि युयुत्सु बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसमें। जो हम सारा पूरा महाभारत अगर देखें तो युयुत्सु जो कौरवों का वो था, वो उन्होंने चाहा कि मैं सत्य की साइड ले लूं, और सत्य की साइड लेके भी उसको जो सहना पड़ा, जो अपने ही लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो कहता है कि फिर सत्य की साइड लेके मैंने क्या पाया, तो कुछ नहीं पाया, यू नो। तो मुझे वो युयुत्सु के कैरेक्टर मुझे ज़्यादा वो, यानी क्या कहते हैं, अंदर से सीरिंग जो कैरेक्टर है वो मुझे लगती है। बाकी अश्वत्थामा तो खैर बहुत वो है, लेकिन वो जो अंदरूनी लड़ाई है वो मुझे युयुत्सु की ज़्यादा वो लगती है, और मुझे कल लगता है आज के ज़माने में बहुत मायने रखती है। तो आपके हिसाब से ये युयुत्सु का नाटक हुआ, ही इज द लीड, या शायद क्योंकि मुझे लगता है मुझे उस कैरेक्टर ने ज़्यादा अपील किया है। हर कैरेक्टर अपने आप में वो है,
कहीं ना कहीं पे जाके सोलेस हर कैरेक्टर को मिलता है. सोलेस इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग इन दैट काइंड ऑफ सोलेस, जैसे गांधारी है, गांधारी के सारे सारे पुत्र मारे गए और फिर उसने शाप दिया, और शाप दे के जब कृष्ण ने स्वीकार किया देन शी गॉट यू नो थोड़ा सा काइंड ऑफ कि क्या क्यों तुमने एक्सेप्ट किया. तो उसका वेंट जो था वो शाप से उसके उसका जो पूरा गुस्सा था वो निकल गया, ये हुआ. फिर अश्वत्थामा भी, उसने भी मार के लोगों आई मीन पांडव के उसमें जाके उनको मारा है, तो कहीं ना कहीं पे उसको भी थोड़ा सा वो मिला होगा कि मैंने उसका वो ले लिया. लेकिन युयुत्सु कुछ नहीं कर सका, एंड युयुत्सु के हाथ कुछ नहीं लगा. सत्य की साइड लेके भी वो क्वेश्चन करता है, फिर ये क्या है, ये क्वेश्चन करता है. इसलिए मुझे लगता है वो ज्यादा मुझे अपील करती है, क्योंकि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं. 35 साल पीछे जो एक भूमिका करके आई है उसके बारे में इतना सारा, उसके बाद का जो अनुभव है आपका, फिल्म इंडस्ट्री का अनुभव, इस सारे अनुभव के बाद रोहिणी हट्टंगडी आज जिस जगह पे खड़ी है, उनको अगर 35 साल पहले की अपनी एक भूमिका पर टिप्पणी करनी हो तो अपनी भूमिका पर क्या टिप्पणी करेगी? मुझे लगता है काफी अच्छा मैंने काफी अच्छा रेंडरिंग उस कैरेक्टर का हुआ था, क्योंकि आज जो मैं समझ पा रही हूँ मे बी बिकॉज ऑफ 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, शायद आज करूँ वो भूमिका वो कहाँ तक मैं उसी हिसाब से कर पाऊंगी मछुआरे में. लेकिन उस वक्त का जो लर्निंग प्रोसेस थी, उस वक्त की समझ की वो थी, आई मीन शायद मैं समझ पाऊंगी, शायद अंदर से ज़्यादा फील कर पाऊंगी कि 100 लड़कों का ना होना क्या होता है, वो शायद मैं आज समझ पाऊंगी. क्योंकि आज नाउ आई एम अ मदर, नाउ आई एम यू नो, उस वक्त मैं ना मैं शादीशुदा थी, ना मेरे बच्चे थे. सो बच्चा ना होना या बच्चे का मर जाना क्या होता है, शायद तब मुझे मालूम नहीं था. अब मुझे मालूम, आई मीन आई कैन इमेजिन कि क्या होता होगा. तो शायद उस मामले में मे बी इमोशनल लेवल पे मैं ज़्यादा समझ पाऊंगी गांधारी को, लेकिन उस वक्त भी मैं उतना ही समझ पाई थी, इतना मुझे याद. स्पीच के बारे में अगर आपने मुझे पूछा तो शायद मैं वही फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अगर दूसरी ही स्टाइल में कुछ होगा नाटक तो शायद मैं दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगी. लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा उसमें करूंगी, क्योंकि जो भी 35 साल पहले किया है वो मेरे ख्याल में अच्छा ही किया था मैंने. आज आपको एक मौका दिया जाए और आपके पास वक्त हो और कहा जाए कि आप अंधा युग फिर से करिए, मैं करूंगी. तो आप कहाँ करेंगी? आप क्या उसी जगह जाके करना चाहेंगी या किसी दूसरी सेटिंग में करना चाहेंगी, या कोई नया प्रयोग आप अपने तय करना चाहेंगी? आप कैसे विजुलाइज करती हैं आज की तारीख में अंधा युग? सी आई एम नॉट अ डायरेक्टर एक्चुअली, तो मैं बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन डेफिनेटली आई वोंट लाइक टू डू इट इन प्रोसीडियम थिएटर, डेफिनेटली आई मीन दैट इज आई एम श्योर अबाउट इट कि प्रोसीडियम थिएटर में अगर करना है तो फिर वो टाटा NCPA टाटा जैसा होना चाहिए, ह्यूज ऑडिटोरियम. और छोटे ऑडिटोरियम में बहुत वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं जाता है. जैसे हम कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट होता है जो कथा में बदल जाता है या जो नॉवेल में बदल जाता है, वो सब्जेक्ट है वो प्रोसीडियम का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे मुझे लगता है. इसलिए शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी, बट आई वुड लाइक टू डू इट इन ओपन एयर, डेफिनेटली 100%. प्रोसीडियम में मज़ा नहीं आएगा उसका. और अंधा युग से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो कि आपने उसकी तैयारी के दौरान, जब आप रिहर्सल कर रहे थे उस दौरान, उससे जुड़े हुए कोई संस्मरण आपके पास हुआ?
वैसे उस प्ले के बारे में पुराना किला के ही ज्यादा मुझे वो है, क्योंकि वहाँ पे जो तीनों दो प्लेस मैंने किए वहाँ पे, जो सुल्तान रजिया और हमने दोनों किए, तो हमारे मेकअप रूम से स्टेज पे आने के लिए एक छोटा सा ऐसे गली जैसा, एक हम बियार बोलते हैं उसको, टनल जैसा था जो खोदा हुआ था उन्होंने, तो वहाँ जाके हमको वो करना पड़ता था। दूसरा, आई यूज टू काउंट द स्टेप्स, जैसे मैंने कहा कि हाफ मास्क था और मास्क की आंखें इतनी थी कि उसके नीचे मैं देख ही नहीं पा रही थी, तो हालांकि मेरे साथ में कोई होता था लेकिन वो मैं पकड़ नहीं पाती थी उनको, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी, और मुझे अपने से ही वो नीचे उतरना पड़ता था। तो मुझे याद है स्टेप्स में गिनती थी, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, यानी थोड़ा सा अंगूठा स्टेप के एच पे लाके, हाँ ये स्टेप है ये, और फिर उतरो नीचे वाली, ये दूसरी स्टेप है, दूसरे पाँव से अंगूठे से मैं वो एज ढूंढती थी, और फिर तीसरा, ऐसे करके जाती थी एंड काउंटिंग द स्टेप्स, एंड आई मीन लकीली आई नेवर ट्रिप्ड और आई नेवर मिस्ड अ स्टेप, और आई मीन थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी वो था, क्या कहते हैं, It was a task to with mask steps उतरना काफ़ी वो था, क्योंकि श्राप के लिए मुझे पूरा नीचे आना पड़ता था, एकदम जो मेन स्टेज था वहाँ पे आके मुझे वो करना पड़ता था गादारी का श्राप, तो पूरी के पूरे स्टेप्स में नीचे आती थी। अभी काउंटिंग द स्टेप्स मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले चार थी, फिर एक लैंडिंग था, फिर तीन स्टेप्स थी, फिर एक लैंडिंग था, फिर आठ या दस स्टेप्स थी, फिर लैंडिंग था, और फिर चार स्टेप्स थी, और फिर मेन स्टेज थी, इतनी स्टेप्स नीचे उतरना पड़ता था मुझे वो। और स्पीच का तो मैंने बता दिया, अलकारी साहब ने जैसे काम किया था, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने ही किया है ये, सुनो आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध है, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल बा, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। नाटक जिस तरह से हुआ, भारती जी ने महाभारत उठाया, एक कथा महाभारत से ली किया, तो भारती जी ने उस समय महाभारत जो चुनना चाहा और महाभारत के जरिए जो बात कहने की कोशिश की, तो उनके सामने इमीडिएट संकट क्या था, उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें ये लिखा जा रहा था? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ये काफी साल पहले वाला, आई मीन मैं नाटक में आई उससे पहले ही ये लिखा गया है, सो आई जस्ट डोंट नो द थिंग। एक तो महाभारत है भी इंटरेस्टिंग, आई मीन जब ये करने का सोचा, जब महाभारत पे नाटक है अंधायुग के सिलसिले में काफ़ी वो पढ़ा भी, और उससे पहले मराठी में नाम नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छी काफ़ी रिनाउंड और रिनाउंड क्या, बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल किस्म की राइटर थी, उन्होंने युगांत करके महाभारत पे रिसर्च करके उन्होंने एक किताब लिखी थी, और वो इंग्लिश में भी है युगांत, तो उसमें उन्होंने वो किया है कि भीष्म शायद 300 बरस के होंगे, आई मीन अगर वो वैसे देखा जाए तो, यू नो, वो पूरा एनालाइज उन्होंने किया था महाभारत को,
तो वो भी पढ़ा पढ़ लिया. फिर जय नावाचे इतिहास है, मराठी में काफ़ी दो तीन वो है, वो सब पढ़े थे मैंने महाभारत के सिलसिले में. और इट वॉज सिर्फ द्रौपदी और कौरव पांडव युद्ध, और लेकिन युद्ध से जो निकलता है शायद तब मेरे ख्याल में कभी ये लिखा गया होगा बिफोर 60. तो इट माइट बी इमीजिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमीजिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो शायद वो हो सकता है कि वो युद्ध का जो है वो इंट्रिगिंग लगा होगा. आई डोंट नो क्यों और कैसे वो हुआ, लेकिन महाभारत इज अ still, I mean, it is a... आप लोगों ने जैसे किया अलका जी साहब ने कहा कि करते हैं, एक बार पहले कर चुके थे, तो मतलब कोई खास कारण था कि किया जाएगा? काबुकी और मैं कथकली में थोड़ा सा मेरा वो है, माय गुरु वाज कथकली डांसर, सो आई हैव लर्न कथकली. तो कथकली और काबुकी में काफ़ी वो पैरेलल्स मुझे दिख रहे थे. तो शायद वैसे जब इबारा की हुआ तो वो स्टाइलाइज्ड वो था जो प्रकार, वो शायद अंधा युग साहब को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा. और फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि महाभारत और बाकी कोई मुझे प्ले लगता नहीं है कोई इस स्टाइल में कर सको कर सकेंगे, या तो शेक्सपियर में भी इस स्टाइल में हो सकता है, यू नो. तो लेकिन जो इंडियन प्ले है वो मेरे ख्याल में ये स्टाइलाइजेशन बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मे बी, नो, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ महाभारत, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि कबूती स्टाइल में इसको करते हैं. तो शायद वो इंस्पिरेशन वहाँ से मिली होगी शायद अलगाई साहब. मुझे इस बात में कुछ लोगों ने कहा कि जैसे एमके रैना ने किया तो वियतनाम वॉर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया उसको. वॉर तो वॉर ही है ना, वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में इवन अशोका के ज़माने में जो वॉर हुआ था उसके आफ्टर इफेक्ट्स यही थे. अशोका ने जो वो किया वो वॉर वगैरह छोड़ छाड़ के, वो साम्राज्य छोड़ छाड़ के निकल गया, तो उसका भी युद्ध ही हुआ होगा, यू नो. सो वॉर इज वॉर एंड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स. तो अभी भी अगर कोई भी वॉर होगा तो उसके बाद तो वही होता है, इसीलिए हम कहते हैं वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस. तो वॉर से कुछ नहीं होता है, सवाल और भी खड़े हो जाते हैं शायद. हो सकता है, आई मीन एवरी डायरेक्टर हैज गॉट हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड अकॉर्डिंगली ही मस्ट बी. तो कोई स्टाइलाइजेशन के बारे में आप जैसे शेक्सपियर का, शेक्सपियर के मैकबेथ इतने डिफरेंट तरीके से हुआ है, रोमियो जूलियट इतने डिफरेंट तरीके से हुआ है, यू नो. सो दैट्स वाई आई मीन मुझे लगता है इट्स अ यूनिक प्ले, यूनिक प्ले इन इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगी. आई मीन द लैंग्वेज, द स्टाइल ऑफ राइटिंग, एवरीथिंग इज सो यूनिक. इसलिए कोई पैरेलल किसी लैंग्वेज में होगा ऐसे नहीं लगता, क्योंकि हमने ये भी सुन, मैंने एज अ स्टूडेंट वो होता है ना कि कुछ करते हैं कर दिखाते हैं वाली बात. तो मैंने सोचा था कि इसको ना हम मराठी में ट्रांसलेट करेंगे, और नहीं हो सकता है. आई हैव टू थिंक अबाउट इट. आपका थिएटर के साथ क्या कोई रिश्ता बचा हुआ है भी आपके? हाँ, मैं थिएटर करती हूँ, थिएटर करती हूँ. अभी हाल ही में मैंने, हाल ही में यानी कि आप एक दो साल हो गए, हाँ दो साल हो गए, जगदम्बा नाम का मैंने प्ले किया. बिकॉज ऑफ माई नीज एक्चुअली वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई कॉन्ट सिट डाउन. अभी अभी मैं थोड़ा सा इस पर बैठ रही हूँ, इसके नीचे अगर गई तो मैं उठ नहीं पाती, बैठ तो सकती हूँ इमीजिएटली, जैसे नाटक में फट से उठना होता है ना, वो उठ नहीं पाती हूँ. इसलिए पिछले एक बरस से वो
शोज थोड़े से बंद हैं, लेकिन वो जगदम्बा नाम का प्ले जो कस्तूरबा जी का टेक ऑन हर ओन लाइफ और गांधी जी के, तो ये आपके उस रोल का एक्सटेंशन जो आपने फिल्म में किया था? एक्सटेंशन तो नहीं खैर, क्योंकि असल में ये प्ले मैंने भारत रंग महोत्सव में ही ओपन किया था, हमने ये हिंदी में ओपन किया था, इससे पहले मराठी में मैंने 25 शोज किए थे, लेकिन हिंदी में भारंगम में ही ओपन किया हमने 2-3 साल पहले। तो ये प्ले दिखा गया था स्पेशली जय फॉर जयदेव जी, और प्ले ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज द राइटर इज नॉट अ प्ले राइट, तो उन्होंने सिर्फ वो कस्तूरबा जी का अकाउंट लिखा, यू नो एज इफ कस्तूरबा जी इज टॉकिंग टू ऑडियंस एंड शी इज रिमेम्बरिंग हर ओन डेज एंड डेज विद क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, देन इट वॉज लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था। तो जयदेव जी कुछ करने वाले थे बट अल्टीमेटली ही फेल सिक एंड ही डिडंट डू इट, ही कुडंट डू इट, और फिर उनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे हमने ये सोचा कि हम वही प्ले करेंगे जो उन्होंने लिखा है। तो प्रतिमा कुलकर्णी करके मराठी में डायरेक्टर है, तो उसको जब हमने वो किया तो उसने इमिजिएटली हाँ बोला, लेकिन वो प्ले पढ़ने के बाद इट वॉज नॉट अ प्ले, इट वॉज जस्ट रेंडरिंग। तो फिर रोहिणी क्या करना है, तो उसने काफ़ी एडिटिंग किया, ये यहाँ से वहाँ कटिंग पेस्टिंग पूरा, तो कम से कम ड्रामा जब आप स्टेज पे वो करते हो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए, इसलिए फिर जो रिडंडेंट वो थे रेफरेंसेस थे वो निकाल दिए, जो बहुत ज़्यादा गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे वो निकाल दिया, क्योंकि हमने ये सोचा कि फिर वही होगा गांधी जी के बारे में ही वो प्ले होगा, कस्तूरबा जी का प्ले नहीं रहेगा, इसलिए फिर जो अकाउंट्स जो थे वो खुद के बारे में बोल रही हैं वही सब रख दिए, फिर उनका और अपने बेटों का रिलेशनशिप, तो बेटों के बारे में क्या सोचती थी और क्या क्या कंप्लेंट्स थी गांधी जी के बारे में उनकी वो भी, और ऐसे करके वो कस्तूरबा जी का प्ले हुआ था, इट वॉज नॉट अबाउट गांधी जी, इट वॉज अबाउट कस्तूरबा जी, तो वो अभी कर रही हूँ। टेलीविजन कर रही थी एंड टेलीविजन लीड्स अप ऑल द डेज ऑल द टाइम एक्चुअली उसकी वजह से, बट